किसी भी बीमारी की आयुर्वेदिक चिकित्सा या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आयुर्वेदिक समाधान को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम बात करेंगे रोटी बनाते वक्त ध्यान में रखने वाली कुछ नुस्खों के बारे में। रोटी बनाने के आटे में यदि थोड़ा सा चावल का आटा मिला दिया जाए तो रोटियां हल्की और जल्दी पचने वाली बनती हैं। गैस पर सेकने के बाद यदि रोटियां कड़क हो जाती हैं तो उन्हें रोककर कुकर में थोड़ी देर के लिए बंद कर दें। रोटियां गर्म और नरम रहेंगी। चपाती आंच पर सेकते समय आंच तेज रखें। तेज आंच की चपातियां नरम व मुलायम बनती हैं। रोटी बेलते समय पॉलीथीन आटे की जगह मैदा का लगाएं। रोटी बेदाग सुंदर व सफ़ेद बनेगी व मुलायम व फूली बनेंगी। मक्के की रोटी बनाते समय गर्म पानी से गूथे तो बेलने में आसानी रहेगी। मेथी के पराठे बनाते समय थोड़ा सा मक्के का आटा मिलाने से पराठे खस्ता और स्वादिष्ट बनते हैं। आलू के पराठे में ब्रेड का चूरा या बेसन भूनकर मिला दें तो पराठे आसानी से बनेंगे। गोभी का पराठा बनाते समय गोभी को पहले कढ़ाई में घी डालकर उसमें भून लें, फिर पराठे में भरें। इससे बढ़िया खुशबू आएगी। मक्का व बाजरे की रोटी चकले पर पॉलीथीन की थैली बिछाकर बनाए उठाने में आसानी रहेगी। मेथी के पराठों को अधिक खास्ता व स्वादिष्ट बनाने के लिए आटे में थोड़ा सा बेसन मिलाकर खट्टे दही से आटा गूंथें। खूब पके केले को अच्छी तरह से मसलकर आटा गूंथकर रोटी या पराठे बनाइए। पानी का प्रयोग ना करें, रोटियां व पराठे स्वादिष्ट बनेंगे। गेहूं के आटे में मूंगफली का आटा मिलाकर रोटी बनाने से रोटी पौष्टिक व सुपाच्य हो जाता है। रोटियों को लंबे समय तक नरम व मुलायम बनाने के लिए उनके बीच अदरक के कुछ टुकड़े रखिए। मक्की का आटा गूंथते समय यदि पानी की जगह चावल का मांड प्रयोग किया जाए तो रोटी मीठी व नरम बनती है। बाजरे के आटे में उबले आलू मिलाकर गूंथने से रोटी अच्छी बनती है। रोटियों को अधिक देर तक मुलायम रखने के लिए उनके साथ कुछ टुकड़े अदरक के रखें। अगर आपके जहन में कोई सवाल या परामर्श हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।